हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल डिम शॉट। जब भी मैंने कोई वीडियो डाला है जिसमें बैकग्राउंड में कोई सॉन्ग है जो बॉलीवुड का हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आ जाएगा या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आ जाएगा। तो मैंने सोचा उसी के ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ। जब हम कॉपीराइट्स के बारे में बात करते हैं, वी मे टॉक अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। एक जो हमारा कॉपीराइट है और दूसरा दूसरों की कॉपीराइटेड मटेरियल हम कैसे यूज़ करें उसके ऊपर। अगर हम लोग कोई आर्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम अगर फोटोज क्लिक करते हैं, उसका कॉपीराइट कैसे होता है, उसके बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, पब्लिक प्लेसेस में हम कैसे फोटोज क्लिक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे परमिटेड है, उसके ऊपर भी वीडियोस यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बैकग्राउंड म्यूजिक के कॉपीराइट के बारे में, मतलब दूसरे के कॉपीराइटेड मटेरियल, दूसरे का कोई कॉपीराइटेड सॉन्ग हम अपने वीडियोस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो एक फोटोज़ का स्लाइड शो हो सकता है, वो एक सिनेमेटोग्राफी हो सकता है। अगर वो कॉपीराइटेड है तो हम वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे जो डिस्कशन है हम यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे। तो मेनली हम लोगों को दो तीन चीज़ों के बारे में याद रखना है। एक होता है कॉपीराइट फ्री म्यूजिक जो यूट्यूब में भी मिलता है, दूसरे साइट्स में भी मिलता है। दूसरा होता है कॉन्टेंट आईडी कॉपीराइट क्लेम्स, और तीसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक्स। ये तीनों काफी अलग चीजें हैं और इन तीनों के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत जरूरी है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। मान लो आपका जो क्रिएट किया हुआ म्यूजिक कंटेंट जो है आपने पब्लिक डोमेन में शेयर किया, ऑब्वियसली अब वो काफी लोगों के पास पहुंच गया। अब अगर कोई और यूज करता है, स्पेशली यूट्यूब में, आपका कंप्लीट राइट होता है उस चीज को वहां से हटाने के लिए, उस चीज को वहां पे रहने देने के लिए, और उस चीज़ से जो भी इनकम आता है वो आप ले सकते हो। कम से कम YouTube में ये सिस्टम है। बेसिकली अगर आपने कुछ ओरिजिनल क्रिएट किया जिसमें दूसरे का कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका कंटेंट है, तो वो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी आपका ही कॉपीराइट बन जाता है। अब हमारे साइड में आते हैं, मतलब जो फोटोग्राफर्स होते हैं, जो सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं, या कोई भी यूट्यूबर जिसको बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चाहिए, उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। सबसे पहले आता है कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। YouTube में भी हम काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स देखते हैं जो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक प्रोवाइड करता है, मतलब क्योंकि वो पर्टिकुलर चैनल काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे जो ओरिजिनल क्रिएटर्स हैं जाके अपने म्यूजिक उस चैनल को दे देते हैं। आप अगर आपकी वीडियो के अंदर वो सारे म्यूजिक एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करोगे तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस चैनल के बारे में, उस क्रिएटर के बारे में आप अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करो। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस कंटेंट क्रिएटर और उस पर्टिकुलर चैनल का कंडीशन भी यही होता है। दिस इज अ वेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट और हमेशा हमें इनको फॉलो करना चाहिए। जब आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज करते हो तो आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर YouTube से कमा रहे हो तो उस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पैसा भी आएगा। दूसरा है कॉपीराइट क्लेम ऑन YouTube। यूजुअली क्या होता है, ये बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं, खास करके म्यूजिक कंपनीज, टी सीरीज हो गया, यशराज म्यूजिक हो गया, या बहुत कुछ, जब कोई कंपनी बहुत बड़ा बन जाता है, YouTube उसको एक कॉन्टेंट आईडी क्रिएट करने का एक मौका देता है। मतलब आपके हर सॉन्ग के लिए एक कंटेंट आईडी रहेगा। उस पर्टिकुलर सॉन्ग का अगर छोटा सा भी पार्ट किसी ने ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया तो YouTube को वो पता चल जाएगा और एक कॉपीराइट क्लेम आएगा। ये कॉपीराइट क्लेम अलग अलग तरीके से हो सकता है, मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन यूजुअली क्या होता है, ये कंपनीज आपको अपना म्यूजिक एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने के लिए परमिशन देंगे। लेकिन अगर आप एक यूट्यूब से अर्न करने वाला एक यूट्यूबर हो तो मोस्ट लाइकली जितना भी पैसा इस पर्टिकुलर वीडियो से आएगा वो सारे पैसा उन कंपनीज के पास जाएगा, क्योंकि उनको हर चीज में रोकने का भी मन नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि कहीं पे भी अपना सॉन्ग यूज करने ही ना दे। ऑब्वियसली वो लोग चाहते हैं कि यूज तो करने दो, लेकिन हमारे सॉन्ग को यूज़ करके ये लोग नहीं कमा सकते। अगर ये लोग हमारे सॉन्ग यूज़ करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमा रहे हैं तो वो जो कमाई है वो हमें आना चाहिए। उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड म्यूजिक या सॉन्ग से उस यूट्यूबर को फेम मिल रहा है, व्यूज मिल रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, देन इट्स ओके, उतना फायदा उसको होने दो। लेकिन अगर वो पैसा कमा रहा है उस पर्टिकुलर सॉन्ग से तो वो पैसा उसको नहीं जाना चाहिए, वो हमें आना चाहिए। इवन दिस इज फेयर इनफ। 99% पॉसिबिलिटी है अगर आप एक बहुत फेमस सॉन्ग, वो बॉलीवुड का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सिलेक्ट करेंगे एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक, कॉन्टेंट आईडी मैच के साथ कॉपीराइट क्लेम आएगा जिससे आपके चैनल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसमें लिखा होगा कि आपके चैनल को इससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बस आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर मेरे वीडियोस में अगर आप बहुत फेमस सॉन्ग एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हो, इट्स वेरी लाइकली कि मैं उस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ। जो भी पैसा आएगा वो टी सीरीज या जी म्यूजिक या फिर यशराज म्यूजिक, कोई भी ऐसे बड़े बड़े कंपनीज को चला जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप कोई भी सॉन्ग अपलोड करते हो
डायरेक्ट उसको पब्लिश मत करो, कीप इट इन अनलिस्टेड, तभी आपको मैसेज आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कॉपीराइट क्लेम है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको पैसा नहीं मिलेगा। सारी डिटेल्स देखने के बाद आप उसको पब्लिश कर दो। कुछ कंपनीज काफी सारे रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, मतलब आप यूज तो कर सकते हो, सारे पैसा उनका होगा, और मोबाइल में जो यूट्यूब ऐप होता है इसमें आपका वीडियो दिखेगा नहीं, वो वीडियो सिर्फ डेस्कटॉप्स में प्ले होगा। और भी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है, जैसे कि कुछ कंट्रीज में वो प्ले नहीं होगा। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कंपनीज रख सकते हैं, लेकिन ये चीज आपको शॉक की तरह नहीं आएगा। आप अगर अनलिस्टेड में अपलोड करेंगे, ये सारे डिटेल्स आपको दिया जाएगा, उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि आपको पब्लिश करना है या नहीं करना है। आपको ये भी लग सकता है कि आपने पूरा का पूरा सिनेमेटोग्राफी का वीडियो एडिट किया और सारा वीडियो एडिट किया उस एक सॉन्ग के हिसाब से, लेकिन अब कॉपीराइट क्लेम आ चुका है जिसमें आप कमा नहीं सकते हो, जो कुछ कंट्रीज में अवेलेबल नहीं होगा, जो मोबाइल डिवाइसेस में अवेलेबल नहीं होगा। इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस में आप उस वीडियो को अपलोड नहीं करना चाहते, लेकिन आपका वीडियो रेडी भी है, तो अब क्या? इसलिए हमेशा एक पर्टिकुलर तरीका है, आप एक ब्लैंक वीडियो बनाओ। उस ब्लैंक वीडियो में आपको जो भी गाना पसंद है वो गाना एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक डालो। एक रैंडम वीडियो बना के अनलिस्टेड स्टेटस में उसको अपलोड करो। 10-15 मिनट में ये काम आपका हो जाएगा। एक बार ये YouTube में अपलोड हो गया तो YouTube इस सॉन्ग के रिलेटेड सारे कॉपीराइट डिटेल्स आपको दे देगा। जब एक बार सैंपल वीडियो बना के यूज करके YouTube में अपलोड भी करके पब्लिश नहीं करना है, सिर्फ अनलिस्टेड में रखना है। आपको जब श्योर होगा कि ये म्यूजिक यूज करना बहुत सेफ है, सिर्फ उसके बाद आप उसको एक्चुअल एडिटिंग में यूज करो। इस तरीके से कंटेंट आईडी मैच किया हुआ म्यूजिक भी कॉपीराइट क्लेम के साथ बिना पैसा कमाए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंपनीज जो है मोस्टली कॉपीराइट क्लेम्स देते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक्स नहीं देते। इसलिए आप देखते हो कि जो मिलियंस ऑफ व्यूज कुछ कुछ वीडियोस का होता है, वो प्री वेडिंग का हो सकता है या कोई भी हो सकता है, उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है बहुत फेमस इंग्लिश सॉन्ग या बहुत फेमस बॉलीवुड सॉन्ग का होता है, उसका व्यूज बढ़ते ही रहता है, 3-4 साल वीडियो वैसा ही रहता है, और हमें लगता है कि इसका कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ही नहीं आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम है। तीसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक्स, जो मोस्ट लाइकली आप जब इमीडिएटली अपलोड करते हैं तब वो नहीं आता है। छोटे मोटे कंपनीज जो है उनका कंटेंट आईडी नहीं होता यूट्यूब के साथ, लेकिन कभी कभी जब ब्राउज करते हैं या फिर एक वीडियो जब वायरल हो जाता है तब उनको लगता है कि इस वीडियो में तो हमारे सॉन्ग्स हैं, तब जाके वो लोग कॉपीराइट स्ट्राइक कर सकते हैं। और कॉपीराइट स्ट्राइक एक पर्टिकुलर चैनल में आना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। 3 कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद आपका चैनल बंद भी हो सकता है। और कॉपीराइट स्ट्राइक देने का भी अलग अलग तरीका है, जैसे कि मेरी कुछ वीडियोस कोई और रैंडम चैनल कोई क्रिएट कर रहा है और उसमें अपलोड कर रहा था, ऑब्वियसली यूट्यूब को पता चल गया, तो यूट्यूब मुझे इंटीमेट किया कि तुम्हारे जो वीडियो है उसका कुछ पार्ट कोई दूसरे चैनल ने अपलोड किया है, तो मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता था। बट वी हैव एन ऑप्शन, हम लोग उसको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तुम इसको हटाओ इतने दिन में, नहीं तो हम कॉपीराइट स्ट्राइक दे देंगे। मतलब हम थोड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं उस पे और उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है और उनका गुस्सा जायज भी है। और यूट्यूब हमें ये भी एक ऑप्शन देता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो वीडियो उसके चैनल में हो, वो जो भी कमाता है वो तुम ले सकते हो। अगर वो एक ऐसा चैनल है जो बहुत कमाता हो सकता है कि मेरे पास वो भी एक ऑप्शन था, वीडियो उस चैनल में रहने दो, आई विल बी नोन टू अ लार्जर ऑडियंस और उसका पैसा भी मुझे मिल सकता है। सो मेरे पास ऑप्शन होता है चूज करके कॉपीराइट स्ट्राइक देने का। इसलिए अगर आपको कोई बैकग्राउंड म्यूजिक पसंद आया है, अगर आपको पता है कि वो फ्री म्यूजिक नहीं है, यूट्यूब में उसका कंटेंट आईडी मैच नहीं हुआ और आपने एक्सप्लिसिटली परमिशन भी नहीं लिया, तो आपको डर डर के रहना पड़ेगा कि कहीं व्यूज इस वीडियो का ज्यादा ना हो जाए, और अचानक ये वीडियो अगर फेमस हो गया उसका ओनर भी ये वीडियो देख लेगा, हो सकता है कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक डाल दे, तो ये सब चीजों से डर के हमें रहना पड़ेगा। तो ऐसे कोई तरीका है कि हम कॉपीराइटेड मटेरियल यूज भी करें और स्ट्राइक भी ना आए? 2 तरीका है। एक, जिसका भी ये सॉन्ग है उसको कॉन्टैक्ट करके, मतलब ईमेल करो या मैसेज करो, कुछ भी एक रिटर्न प्रूफ होना चाहिए, उससे उस पर्टिकुलर सॉन्ग को यूज करने का परमिशन ले लो। ये परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फायदे की बात नहीं होता है लेकिन एक गुस्से की बात होता है। उसने मेरा परमिशन लिए बिना मेरा सॉन्ग यूज किया, इसका एक गुस्सा आता है। परमिशन पूछना एक बहुत अच्छा जेस्चर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी हैप्पी टू गिव यू देयर सॉन्ग्स। वो लोग आराम से बोल देंगे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा हमारे बारे में लिख दो, या फिर कोई बोल सकता है हमारा जो सॉन्ग का नाम है वो अपने टाइटल में यूज करो, कुछ भी एक कंडीशन डाल के दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू द सॉन्ग्स। वो परमिशन दे देते हैं। एक बार आपको परमिशन मिल गया, अगर आपका वीडियो फेमस हुआ और अगर आपकी वीडियो ने बहुत कमाना शुरू किया, तब भी वो कॉपीराइट ओनर मॉरली तो आपके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं डाल सकता, इन मोस्ट केसेस नहीं डालेगा। और अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आया, आप यूट्यूब को मैसेज करो या ईमेल करो कि मेरे पास प्रूफ है कि उसने मुझे परमिशन दिया था, उस टाइम पे कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा।
एक और तरीका है YouTube में कॉपीराइटेड मटेरियल यूज करने का। हम फोटोग्राफर्स और सिनेमाटोग्राफर्स के लिए उतना यूज नहीं है, लेकिन आपने रिएक्शन वीडियोस देखा होगा, लगभग पूरा का पूरा वीडियोस वो लोग दिखा देते हैं। सो पूरा का पूरा यूज करने के बाद भी कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि YouTube में एक क्लॉज है, अगर आप एक पर्टिकुलर वीडियो, वो छोटा सा पार्ट हो सकता है या पूरा का पूरा वीडियो हो सकता है, उसको लेके उसी के ऊपर एक वीडियो बनाया, मतलब आप जो बोल रहे हैं उसके बारे में जो बात कर रहे हैं वो अगर उस कॉन्टेंट को रिव्यू करने का टाइप का हो, या फिर उस पर्टिकुलर कॉन्टेंट में जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हो, या फिर ऐसे कोई वीडियो जिसका जो एक्सपीरियंस है वो ओरिजिनल वीडियो देखने का एक्सपीरियंस से अलग होगा। मतलब सोचो, हम जब एक रिएक्शन वीडियो को देखते हैं तो पूरा का पूरा ट्रेलर देखते नहीं रहते हम लोग, या फिर हमारा पूरा कंसंट्रेशन उस मूवी का सीन के ऊपर नहीं होता है, हमें देखना रहता है कि उस बंदे का रिएक्शन कैसा है। तो हम बीच में सीन को भी देखते हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीन आया तो उस रिव्यूअर का चेहरा भी देखते हैं, और हमें क्यूरियोसिटी होता है कि इस पर्टिकुलर सीन के बारे में वो रिव्यूअर क्या बोलेगा। सो अगर आपका वीडियो एक नया वैल्यू क्रिएट करता है, इस मामले में YouTube स्ट्राइक नहीं देता है। लेकिन ये जो कॉपीराइट की चीजें हैं ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, YouTube के टीम के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है। अगर जिस मूवी का भी ट्रेलर है उसकी ओनर ने ये प्रूव कर दिया कि इस बंदे का यूज करने से हमारा व्यूज ही घट रहा है और हमें एक मॉनेटरी लॉस हो रहा है इससे, तो हो सकता है कि YouTube उसको बोल दे कि तुम उस वीडियो को डिलीट कर दो या फिर स्ट्राइक आ जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो फेमस रिव्यूअर्स होते हैं ना, उनसे मूवी मेकर्स के लिए बहुत फायदा होता है, क्योंकि उनका ही बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग होता है। लोग ट्रेलर से ज्यादा ट्रेलर की रिएक्शन देखने जाते हैं YouTube में। इसकी वजह से इन मोस्ट केसेस जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज है वो रिएक्शन वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं डालते हैं। सो व्हाट डू यू डू इफ देयर इज अ कॉपीराइट स्ट्राइक ऑन योर चैनल? अगर कॉपीराइट क्लेम है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जो मॉनेटरी बेनिफिट है आपको त्याग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, मतलब आपने सोचा था कि कोई म्यूजिक फ्री है लेकिन वो म्यूजिक फ्री नहीं था, इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होता है। और अगर मान लो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो आप दो चीजों में एक कर सकते हो। सबसे पहले उसका जो कॉपीराइट ओनर है उसको कॉन्टेक्ट करो, उससे बात करो और रिक्वेस्ट करो कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के लिए। हो सकता है कि वो आपसे पैसा पूछे, या फिर हो सकता है कि वो किसी भी टाइप की डिमांड आपके सामने रखे। आपको अगर लगता है कि वो डिमांड जायज है तो आप उस डिमांड को फुलफिल करके रिटर्न परमिशन लेके उस सॉन्ग को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर वो कॉपीराइट ओनर बहुत एडमंट है, ही डज नॉट वॉन्ट यू टू यूज द सॉन्ग, तो आपको उस पर्टिकुलर वीडियो को डिलीट करना पड़ेगा और आइंदा बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कोई भी सॉन्ग एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक रखने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाय गिविंग ए थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।